हजरत अली ने कहा था कि जब मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, और जब मेरा दिल करता है कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। और हमारी बड़ी खुशकिस्मती की बात है इस उम्मत मुस्लिमा की कि हजरत मूसा अलैहि सलाम ने जब अल्लाह ताला से बात करनी होती थी तो कोहे तूर पे जाके बात करते थे। अल्लाह की सुननी होती थी, अल्लाह ताला ने अगर कलाम करना होता था हजर मूसा अलैह सलाम से तो कहाँ पे करते, तो है दूर। उम्मत मुस्लिमा की सबसे खूबसूरत जो चीज जो अभी तक मैंने देखी, मतलब वो नबी होके कहाँ जाते थे, अगर अल्लाह से बात करनी है या अल्लाह ने उनसे बात करनी है, हालांकि कलीमुल्लाह थे, कहाँ पे बात करते थे, कोहे तूर पे जाके। और ये जो फैज है ना, ये अल्लाह ताला ने उम्मते मुस्लिमा को नवाजा है कि जब मेरा दिल करता है बकौल हजरत अली के, और दिल भी मानता है इस चीज को, गवाही भी देता है कि जब मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ती हूँ, दुआ मांगती हूँ, और जब दिल करता है कि अल्लाह मुझसे बात करे तो फिर कुरान खोलते हैं। अब आगे रही बात कि दिल कब करता है अल्लाह से बात करने का, आपकी कोई घर में बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, आपके आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, दिल करता है उसके घर जाने का, करता होगा। फिर जब आप उसके घर जाते हैं, आप बकायदा टाइम निकालते हैं, अपने बहुत सारे काम छोड़ देते हैं, बहुत ही सारे, हम अपने बाज़ औक़ात हम अपने बच्चों को भी किसी के हवाले कर देते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे मेरी बहुत करीबी रिश्तेदार है या मेरी बहुत करीबी फ्रेंड है, उसकी शादी है या उसके घर में कोई पार्टी है या कुछ भी है, मैंने जाना है, ठीक है, मुझे जाना है, क्रेविंग होती है, क्यों, क्योंकि वो मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है, इसलिए। एक मुसलमान का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं होता जब तक अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे की हर चीज से ज्यादा महबूब ना हो जाए। आज चेक ये करना है, क्या कुरान मेरी प्रायोरिटीज में से है? हम हर चीज के लिए वक्त निकालते हैं, यहाँ तक कि वो 3 दिन का जो फंक्शन होता है ना, मेहंदी, शादी और वलीमा, ठीक है, उससे पहले माइयों मेहंदी के भी दो दो फंक्शन, उसके लिए पूरी तैयारी होती है, वो सही है या गलत है मैं उसमें नहीं पढ़ूंगी, लेकिन क्या हम तैयारी करते हैं? बिल्कुल। चलें अब उस तैयारी को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, हम कुरान मजीद आज हम स्टार्ट करने लगे हैं, हमने क्या तैयारी की है? अल्लाह से बात करनी है, अल्लाह से ज्यादा तो महबूब कोई हस्ती है ही नहीं, तो अब दिल कर रहा है कि अल्लाह से बात करनी है तो क्या मैंने तैयारी, पहली बात ये कि पता नहीं दिल कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, दिल तो उस दिन करेगा ना जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी। देखिए बेटा, कोई भी काम उस वक्त तक हो ही नहीं सकता जब तक कि मोहब्बत बीच में ना आ जाए, ठीक है। माँ बच्चे को आधी रात को भी फीडर बना के देती है, जब उसका बच्चा उठता है, उसका बच्चा वॉमिट करता है, वो भी साफ करती है, उसका गंद साफ करती है, क्यों, क्योंकि उसको बच्चे से मोहब्बत है, ठीक है, हर हाल में वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, क्यों, मोहब्बत। इसी तरीके से अतात और इत्तेबा, अतात फरमाबरदारी और इत्तेबा बगैर मोहब्बत के हो ही नहीं सकता। अब मोहब्बत कैसे होगी, एक हस्ती जैसे हम जानते ही नहीं है उससे मोहब्बत कैसे हो सकती है? चले मैंने अपनी फ्रेंड को तो देखा है, उससे तो मोहब्बत हो सकती है क्योंकि मेरी फ्रेंड है, मैं उससे रोज मिलती हूँ, मैं उससे फोन पे बात करती हूँ, जब मैं डिप्रेस हो जाती हूँ मैं उसको फोन करती हूँ और मैं उससे सारे अपने गम और जो भी है मैं उससे शेयर करती हूँ, और फिर मुझे लगता है जैसे मुझे थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट हुआ है, राइट, ऐसे ही होता, तो क्योंकि उससे मोहब्बत है, लगता है ऐसे। लेकिन अल्लाह ताला ने तो कुरान में यही फरमाया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि दिलों का सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है ना।
तो क्या होता है कि हम जब किसी से शेयर करते हैं तो सुकून नहीं मिलता, सुकून उस दिन मिलता है अल्लाह बिज़िक्रिल्लाही तत्मईन्नुल कुलूब, कि अल्लाह की जिक्र, खबरदार यकीनन अल्लाह ही के जिक्र में दिलों का सुकून है। अल्लाह ताला यहाँ पे हमें तंबीह कर रहे हैं कि इसके अलावा कहीं और सुकून ढूंढने की कोशिश मत करना। तो बात शुरू हुई मोहब्बत से, चल बड़ी है सुकून की तरफ। तो कुरान मजीद अगर हम खोल के देखें और उसका अगर मैं आपको छोटा सा एक खुलासा बताऊं, तो अल्लाह ताला ने चार चीजों में सुकून रखा है। नंबर एक, वो घर जो अल्लाह ने आपको अता किया है, वो छत जिसके नीचे इस वक्त आप लोग बैठे हुए हैं। आप कहीं चले जाएं, आप 5-स्टार होटल तक में चले जाएं, वापस कहाँ आते हैं? घर आते हैं। नंबर दो जो है अपने जिक्र में, नंबर तीन रात में, ठीक है, जिक्र तो हम अभी शुरू करने लगे ही हैं। नंबर तीन रात में, अल्लाह ताला ने रात में सुकून रखा। इंसान सारा दिन सोता रहे और रात को ना सोए, तो आप जरा अपने दिमागी कैफियत जरा चेक कर लीजिएगा। इसलिए कहा जाता है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, कि रात को जल्दी सोएं और जल्दी उठने से इंसान की सेहत अच्छी रहती है। मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एडवाइस, राइट। एंड द फोर्थ वन इज के जोजैन, मियां बीबी, आपको अगर इस रिश्ते से सुकून नहीं है ना, तो आपको दुनिया में कहीं पे भी नहीं। मियां बीबी में सो इख्तलाफ भी हो जाते हैं, लड़ाई भी हो जाती है, वापस कहाँ आते हैं? अपने घर आते हैं और एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, नहीं रह सकते क्योंकि अल्लाह ताला ने सुकून रखा है इस रिश्ते में। ये चार चीजें हैं, क्या हम इन चार चीजों में सुकून ढूंढते? सोचने की बात है। क्या इस वक्त मैं नंबर एक वो छत की बात करती हूँ कि जिसके नीचे अल्लाह ने सुकून रखा है? अल्लाह ने तो रखा है, मैं ढूंढ रही हूँ इस घर की छत के नीचे कितनी चीजें हैं। पंखा है, सुकून है, मेरे घर में कुरान पड़ा हुआ है, जाए नमाज है, मुझे पूरी अथॉरिटी है, मैं वहां पे जाए नमाज पढ़ के बिछा के नमाज पढ़ सकती हूँ, किसी भी वक्त खा सकती हूँ, पी सकती हूँ, बहुत सारी अथॉरिटीज है मेरे पास। अच्छा, उस सारी अथॉरिटी में मैं अल्लाह के लिए कितना वक्त निकालू? और उसके बाद जो है कितनी बात करती हूँ अल्लाह से, दिल करता है अल्लाह से बात करने को, इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं अल्लाह को जानती नहीं। किसी भी शख्सियत से मोहब्बत करने के लिए उसको जानना बड़ा जरूरी है। मैं कब अक्सर अल्लाह ताला से दुआ मांगा करती थी, मुझे वाकई ये बात समझ नहीं आती थी कि मैं अल्लाह ताला से कैसे बात करूंगी, कब बात करूंगी, या अल्लाह मुझे बताना है ऐसी क्या चीज है जो मेरे दिल में मोहब्बत पैदा करता है। कभी बहुत रोती थी इसी चीज के पीछे, ये अल्लाह समझ नहीं आती, तेरी इबादत तो करना चाहती हूँ, कुरान भी पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आती, ये अल्लाह मुझे हिदायत दे। और ये जो हिदायत है ना सूरह फातिहा, इसके अंदर बड़ी खूबसूरत तरीके से बयान की गई है। ये वो पहली सूरत है जो पूरी की पूरी नाजिल हुई, और फातिहा का मतलब होता है खोलने वाली। अगर दुआ के अंदर सूरह फातिहा ऐड कर दे तो वो दुआ मस्ट कबूल होती है क्योंकि खुल जाते हैं उसके सारे रास्ते। जिंदगी में अगर सूरह फातिहा ऐड कर दी जाए तो आपकी जिंदगी की रुकावटें खुल जाएंगी। अल्लाह ताला ने कहा है ना खोलने वाली, फातिहा स्टार्टिंग। तो बात सारी ये कि मैं बात ये कर रही थी कि हजरत मूसा अलैहि सलाम तो कोहे तूर पे जाके अल्लाह ताला से बात करते थे। मेरे लिए कितनी खुशकिस्मती की बात है कि मैं जब कुरान खोलती हूँ तो अल्लाह मेरे से बात करते। जब मेरा दिल करता है कि मेरा अल्लाह मुझसे बात करे, मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा, तो मैं कुरान खोलती हूँ। एक आपको छोटी सी बात बताऊं, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती हूँ तो मेरे स्टूडेंट मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि मैम ऐसी क्या मोटिवेशनल ताकत थी जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया? तो मैं हमेशा एक ही बात करती थी कि बेटा फोर्थ क्लास में थी जब से कुरान तर्जुमे से पढ़ना शुरू किया,
जब गिर जाती थी कुरान की एक आयत सामने आती थी और मैं उठ जाती थी। मुझे तो संभालने वाली जात ही अल्लाह की है। तो इसलिए मेरी जिंदगी पे सबसे बड़ा हक भी मेरे अल्लाह का है जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। फिर एक दफा एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मैम मैंने आपको सर्च किया, मैंने इंग्लिश लिटरेचर लिखा और टॉप पे आपका गूगल में नाम आता है, आप यहाँ तक कैसे पहुंची? मैंने उससे कहा कि बेटा अपने दादा का नाम याद है? कहती जी मैम। मैंने कहा पर दादा का नाम याद है? कहती नहीं मैम। मैंने कहा अच्छा उससे पीछे जहां से नस्ल चली हो? कहती नहीं मैम। अच्छा फिर मैंने उससे पूछा हजरत राबिया बसरी का नाम याद है रिश्ता? कहती जी मैम। शेख सादी का याद है? कहती जी मैम। मैंने कहा हजरत अब्दुल कादर जलानी रहमतुल्लाह ने? कहती जी मैम। मैंने कहा सहाबा कराम हजरत बिलाल हबशी? तो मैं काफी सारे उसको मैंने सहाबा कराम गिनवाए, हजरत अबू बकर सदीक रिश्ता बहुत सारे। देन मैंने अम्बिया गिनवाए। कहती जी मैम इन सब का पता है। मैंने कहा पर दादा क्यों याद नहीं? तो वो एकदम शॉक्ड हो गई कि मैम वापस पर दादा पे आ। मैंने उससे कहा कि बेटा कुछ सीखा है, कुछ पता चला? कहती नहीं मैम। मैंने कहा बेटा जो अल्लाह का जिक्र बुलंद करते हैं अल्लाह उनका जिक्र बुलंद कर देता है, ये फर्क है। इसलिए आपको अपने परदादा का नाम याद नहीं है लेकिन वो लोग जो हजारों साल पहले आके दुनिया से चले भी गए हैं आपको वो अच्छे तरीके से याद, उन उनकी डेथ के बाद भी, उनके मरने के बाद भी अल्लाह ने उनका जिक्र खत्म नहीं किया। हमारी बातों में इवन हम जब पढ़ाने लगते हैं हम किन की मिसालें देते हैं? फिरौन की बीवी आशिया की, ऐसे ही हजरत मरियम रसूलुल्लाह की, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की। क्यों? क्योंकि जब बंदे अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह ज्यादा बेहतर महफिल में उसके लिए उसका जिक्र करता है। और जिस बंदे का हाथ अल्लाह थामले वो कभी जिंदगी में अनसक्सेसफुल हो सकता है। जिस बंदे के साथ रब है वो कभी अनसक्सेसफुल हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो हम भागते किसकी तरफ? दुनिया की तरफ, क्योंकि अल्लाह ने उसके अंदर अट्रैक्शन रखी है। ये भी आजमाइश है। सोचिए ना एक कुरान क्लास स्टार्ट करनी होती है लेकिन कितनी सारी रास्ते में चीजें आ जाती हैं, इतनी रुकावटें आ जाती हैं, इतनी सारी चीजें आ जाती हैं, बच्चे घर बहुत सारी और हमारी कमिटमेंट्स होती हैं लेकिन क्या है वो हमारी प्रायोरिटी में है शायद ये नहीं होता। ठीक है आज कितने स्टूडेंट्स जो हैं लाइव हैं? ओनली टोटल 3 मुझे मिला के 4। क्यों? वजह ये है कि हमें ये लगता है कि हमारी वो जो प्रायोरिटीज है ना वो हमें बहुत आगे लेके जा सकती हैं लेकिन ये अभी इस तरफ हमारा शायद रुझान नहीं है। तो असल में रीजन ये है कि अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करना है तो बातें तो करनी पड़ेंगी, और अल्लाह के साथ अगर बात करनी है तो हम 5 वक्त दिन में, मैं सिर्फ सूरह फातिहा क्योंकि आप पढ़ाने लगी हूँ तो इसकी एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। हम दिन में 5 नमाजों के साथ सूरह फातिहा पढ़ते हैं। कभी इसके मीनिंग्स पे गौर किया है कि कितनी खूबसूरत वर्ड्स है, इसकी वर्सेस इतनी खूबसूरत है, इसकी आयात इतनी खूबसूरत है। सिर्फ एक अलहम्दु के ऊपर अगर आप थोड़ा सा फोकस करें, अगर आप सिर्फ फातिहा के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें तो यहाँ से क्या है कुरान मजीद का इफ्तिताह हो रहा है। ये सबसे पहली मुकम्मल सूरत है और अफजल तरीन सूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया कि क्या मैं सहाबा कराम से, क्या मैं तुम्हें कुरान के अफजल हिस्से का नाम बताऊं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा की तिलावत की। अल्लाह ताला ने ये उम्मुल कुरान ना तो तौरात में नाजिल फरमाई और ना इंजील, शिफा भी है और दिल की बीमारियों के लिए। ठीक है आपकी जिस्मानी बीमारियां, आपकी दिल की बीमारियां सबके लिए शिफा है। आप सोचें आपको पता है आजकल साइकेट्रिस्ट बड़े आम हो गए,
जब कोई कंटिन्यूसली कंप्लेन करता है ना एक डॉक्टर के पास जाके, तो वो आगे से कहते हैं गो टू साइकेट्रिस्ट, गो टू साइकेट्रिस्ट। इस वजह से क्योंकि साइकेट्रिस्ट अब ये मानने पे मजबूर हो गए हैं कि हमारी जो मैदे की बीमारियां, हमारा सर दर्द और हमारी जितनी भी जिस्मानी बीमारियां हैं उनका ताल्लुक हमारे दिमाग से है। अगर दिमाग में सुकून नहीं होगा तो आपकी पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं उसका दर्द फील हो रहा होता है। दिमाग ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से पूरी बॉडी रिएक्ट करती है। उसमें हो सकता है किसी के मैदे पे रिएक्शन हो जाए, किसी की टांगों पे हो, किसी के जिस्म के किस हिस्से पे, लीवर में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वो सुकून कैसे मिलेगा जब हम अल्लाह हमें शुक्रगुजार दिल अता फरमाए, ठीक है, और अल्लाह ताला ने इस जो सूरत है उसको शिफा कहा है। और इससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब एक दफा हज़रत जिब्रील अलैहि सलाम आए और उन्होंने कहा कि इससे पहले ये जो है ना, इसको अद्दुआ भी कहते हैं, अशफा भी कहते हैं, रुकिया है, दम भी किया जाता है। और एक दफा ऐसा हुआ था कि एक शख्स को किसी बिच्छू ने काटा था और वो नॉन मुस्लिम था, और सहाबा कराम ने कहा कि हम आप पे दम कर दें, तो सहाबा कराम जो है सूरह फातिहा पढ़ते गए और थूक पे थूक लगा के उस पे दम करके और उस पे वहां पे गसलते रहे, तो वो खत्म हो गया था। और सूरह जो फातिहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इससे जो है ये सूरह फातिहा जैसी सूरत ना तो जबूर में नाजिल फरमाई गई और ना इंजील में, और सूरह फातिहा पढ़ने वाले की दुआ कबूल होती है। तो ये है जनाब इसकी फजीलत। और इसके अलावा एक और भी जो है वो हदीस थी, वो मेरे जहन से अभी निकल गई है, मैं आपको बहरहाल शेयर कर दूंगी जब मुझे याद आएगी। अब रही बात सूरह फातिहा की, सूरह फातिहा की तरफ आते हैं और इसका हम अब लफ्जी तर्जमा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है कि तूने मुझे तौफीक अता फरमाई कि आज मैं यहाँ पे हूँ। और अब हमें अपने बाकी ग्रुप्स में जितने भी लोग हैं उनके लिए दुआ करनी है कि या अल्लाह हमें हिदायत दिए ना, उनको भी दे दे। बेटा किसी से नफरत नहीं करनी, ठीक है, अब क्योंकि कुरान शुरू करना है तो बहुत प्यार से आराम से बात करके अपनी बात को कन्वे करना है। ये नहीं कहना कि भाई मैं अगर कुरान की महफिल में आ गई तो मैं शायद कोई बहुत ही नेक खातून हूँ। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हमें यहाँ पे ला के बिठा दिया, नहीं तो बंदे के बस की बात नहीं है कि वो नेकी को पहुँच जाए, ठीक है। और सूरह चौथे पारे में क्या है, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, पहली ही आयत है चौथे पारे की, लन तनालुल बिर्रा, तुम में से कोई शख्स भी उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकता जब तक कि अपनी महबूब तरीन चीज अल्लाह की राह में खर्च ना कर दे। अब हमारी महबूब तरीन चीजें क्या हैं, नींद, आराम, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हर चीज, हमारा स्टेटस, पैसा, ठीक है, पैसे के लिए हम कहाँ कहाँ तक नहीं जाते। हम 3-3 बजे तक जॉब्स करने को तैयार हैं। और अगर मैं ये कहूँ, बल्कि कहूँ क्या, इट्स अ फैक्ट कि जब आप अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं, जब आप कुरान मजीद पढ़ते हैं, तो आपके बाकी हिस्से के काम फरिश्ते कर रहे होते हैं। कुरान मजीद की एक आयत है जिसका तर्जुमा है, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल फरमाते तो वो अल्लाह के खौफ से फट पड़ता। एक और आयत है, जो अल्लाह का तक्वा इख्तियार करेगा अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल आसान कर देगा और अल्लाह उसे वहां से भी रिस्क देगा जहां से उसको गुमान नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा रिस्क देने वाली जात अल्लाह ताला की है, पैसा, स्टेटस, फ्रेंड्स ये लोग नहीं है, हमारी सोशल गैदरिंग्स भी नहीं है। तो रिस्क देने वाली एक ही जात है और वो अल्लाह ताला की है। सूरह फातिहा स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा मक्की सूरत है और जैसे मैंने अभी बताया कि ये उम्मुल किताब है, उम्मुल कुरान है और शिफा है इसके अंदर। अब इसका लफ्जी तर्जुमा शुरू करते हैं।
यहाँ पे देखिएगा अल अल हमने पढ़ा था जब हम ग्रामर रूल्स पढ़ रहे थे कि जब भी हम अल लगाते हैं किसी भी लफ्ज के शुरू में तो उसका मतलब ये होता है कि कोई बहुत खास चीज है, इसम मार्फा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, जब हम किसी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो हम उसके साथ अल लगा देते हैं, किसी चीज को खास करने के लिए अल लगाया जाता है। अलहम्दु, तमाम तारीफ, लिल्लाही, लिए, अल्लाह ही, अल्लाह के लिए, ली और अल्लाह मिलके लिल्लाह ही बनता है। ठीक है, ग्रामर रूल्स अभी हमने पढ़े थे ना, आप लोगों को याद होगा, उसी के हिसाब से मैं इसको आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। अब यहाँ पे अल्हम्दु, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। अब जब हम नमाज शुरू करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हम फौरन से कहते हैं अल्हम्दु लिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अब मुझे ये देखना है कि क्या वाकई मैं मानती हूँ कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, कि तमाम तारीफें मेरे लिए। हम थोड़ा सा तैयार होते हैं, हमारा दिल कर रहा होता है कोई जल्दी से तारीफ कर दे मेरी, थोड़ा सा तैयार होते हैं जल्दी से। शीशे, वी आर मिरर कॉन्शियस, पीपल कॉन्शियस, कैमरा कॉन्शियस, कि मेरी कोई तारीफ कर दे, मैं एक सेल्फी बना के और अपनी प्रोफाइल पे अपलोड कर दूं ताकि आज का जो मेरा स्टेटस है वो लोग देखें और फिर मेरी तारीफ भी करें कि मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। यहाँ पे किसी बंदे की तारीफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, मेरे लिए नहीं है। मैं जो भी हूँ अल्लाह की वजह से। अलहम्द जो है, नॉर्मली हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, बच्चों को हम यही तर्जुमा बताते हैं। इसका एक तर्जुमा शुक्र के मीनिंग्स में भी आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ही तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, तमाम हम्द अल्लाह ताला के लिए है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज अगर अल्लाह ने मुझे ये जबान दी, मुझे उसके अंदर असर दिया, ये भी मेरे अल्लाह का कमाल है। क्या मेरे बस की बात है कि मैं यहाँ पे ऐसे बैठ जाऊँ? आखिर अल्लाह ने मुझे अब इस पोस्ट पे कायम किया तो मैं बोल रही हूँ ना, अगर अल्लाह ना चाहता तो शायद मैं पूरा कुरान खत्म करके भी इस वक्त घर बैठी होती और शायद मेरे से किसी को कोई फायदा ना होता, मेरी जात से शायद किसी को कोई फायदा ना होता। लेकिन क्यों? अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमें चुना है। आज जरा एक लिस्ट बनाए ऐसी चीजें जो अल्लाह ने मुझे दी हैं, वो नेमतें जो मेरे अल्लाह ने मुझे दी हैं और वो नेमतें जो अल्लाह ने मुझे नहीं दी। मेरी जिंदगी के दुख कितने हैं और मेरी जिंदगी की खुशियां कितनी हैं, जरा लिस्ट तो बनाए। अल्लाह इतना रहीम है, इतना करीम है कि वो लिस्ट जो नेमतों वाली है ना वो खत्म नहीं होगी, इतनी नेमतें हैं। जरा शुरू तो करें, आंख नाक कान, सोचें आज अगर मेरी जबान, एक दफा मेरे वोकल कॉर्ड्स डिस्टर्ब हो गए थे, अभी कोई 6-7 माह की, माह पहले की बात है, मैं बोल नहीं पा रही थी, मेरी आवाज बंद हो गई। मुझे एहसास हुआ कि या अल्लाह तेरे हुक्म के बगैर तो मैं बोल ही नहीं सकती। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे लोग आज मैं ना देख सकूं फिर तो मेरी तो कोई तारीफ नहीं है। ये तो अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं जिसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और शुक्र, जब तक हमें इन नेमतों की कदर नहीं होगी हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्या मुझे एहसास है अल्लाह ने मुझे हाथ दिए हैं? अगर मुझे एहसास है तो मैं उनको अल्लाह की राह में क्यों नहीं लगाती? मैं उसको प्रोडक्टिविटी की तरफ क्यों नहीं लगाती? मैं एक प्रोडक्टिव मुस्लिम क्यों नहीं बनती? मुझे अपने आप को देखना, औरों की बात मैं नहीं कर रही, मैं अपने आप की बात कर रही हूँ। आप भी अपना अपना तज़किया करें कि क्या मैं एक प्रोडक्टिव मुस्लिम हूँ? क्या मेरी जात से किसी को फायदा हो रहा है? तो ये है शुक्र करने का। आपको अगर कोई किताब ला के दे, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बीएड करना है, मास्टर्स करना है, चले मैं एमए इंग्लिश लिटरेचर की बात करती हूँ, क्या आप किताब उठा के साइड पे रख देंगे? आपको कदर होगी उस किताब की कि भाई मैं किताब खरीद के अपने पैसों की लाई हूं, मैंने एडमिशन भरा है,
तो मुझे पढ़ना नहीं है, एक कुरान मजीद है मेरे घर के अंदर पड़ा है, क्या उसके बारे में मेरी ऐसी फीलिंग्स है कि पढ़ा हुआ है? नहीं तो हमें तो ये लगता है मास्टर्स कर लिया अगर जॉब नहीं कर ली तो मैं तो स्पॉइल हो जाऊंगी, और कुरान मजीद को मैंने कभी खोल के नहीं देखा तो तब मैं स्पॉइल नहीं होंगी। सोचने की बात है, तो क्या मैं अपने रब का शुक्र कर रही हूँ? नहीं कर रही, ये कर रही। तो ये सब बातें हैं जो हमें इस अल्हम्दुलिल्लाह से पता चलती, और ये इतनी इतना खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह के, सब तारीफें अल्लाह के लिए कि एक दफा वो राय दाना तकब्बुर बंदे का खत्म हो जाए कि मैं तो कुछ हुई नहीं, हर चीज तो अल्लाह की है। तो जब उसकी अना ही खत्म हो जाएगी, वो राय दाना तकब्बुर ही खत्म हो जाएगा, ये राय दाना तकब्बुर है ना बंदे को जन्नत में नहीं जाने देगा, और मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बता रही हूँ, ये वही राय दाना तकब्बुर है जो आपको जीने भी नहीं देता। जन्नत तो बहुत दूर की बात है, आपकी दुनिया भी खराब कर देगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग जो है नाकाम होते हैं अपनी ईगो की वजह से। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, हमारी हर बात में पता नहीं किसने सेल्फ रिस्पेक्ट ईजाद कर दी है, हर चीज में हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है। जब मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई मेरी अपनी साथ कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो अल्लाह ने बनाया, तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ रहेगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के बच्चों ने लहूलुहान कर दिया था, तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? या ताइफ वालों के लिए भी दुआ की थी उस वक्त जब आपको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया था कि आप दुआ कर सकते थे, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए थे, और हमारी हर बात पे सेल्फ रिस्पेक्ट, ये यही नाक है, यही ईगो है, यही सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमें आगे जाने नहीं देते। एक दफा इस सेल्फ रिस्पेक्ट को, इस राय दाने तकब्बुर को अपनी जिंदगी से हटा के तो देखें। एक और ईगो भी है हमारे अंदर, आजकल के बच्चे यही ऐसे, हम तो अपने जमाने में ऐसे नहीं करते थे, उसका मियाँ यूं और मेरा मियाँ यूं, हमारा स्टेटस ये और उनका स्टेटस ये, राय दाना तकब्बुर नहीं है, ये राय से बहुत ऊपर सवाल है। तो वो स्टेटस भी तो अल्लाह का दिया, अगर मुझे ये पता हो ये स्टेटस अल्लाह का दिया हुआ, मैं क्या करूंगी? मैं चाहूंगी कि जब अल्लाह ने दिया तो क्यों ना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर। तो अगर आप सिर्फ इतने हिस्से पे फोकस करें तो मेरी तो आंखें खुल जाए कि भाई अल्लाह की दी हुई चीज़ अल्लाह के रास्ते में मैं अगर लुटा भी रही हूँ, अल्लाह ने मुझे वक्त दिया वो मैं अल्लाह के रास्ते में लुटा रही हूँ, मेरा तो अल्लाह पे कोई एहसान नहीं है, क्योंकि तो उस दिया तो उसी नहीं है, उसी को वापस के। अब बोलिए कहीं आता है कि मैंने बहुत बड़ी नेकी कर दी? सोचिए, अल्लाह का दिया हुआ पैसा, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क, अल्लाह की दी हुई जबान, अल्लाह की दी हुई आंखें उसके रास्ते पे लगा रही, क्योंकि कदर है, शुक्र अदा करना है। और शुक्र ऐसे नहीं होता या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र ऐसे अदा होता है कि उस चीज का हम बेहतर इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, और जिसका हदीस में है ना कि जिसका आज कल से बेहतर नहीं वो हलाक हुआ, और जिसका आज बेहतर है उसका कल भी बेहतर होता है। ठीक है, मेरा आज बेहतर होगा, मेरा कल भी इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वजह से जब भी कोई आपकी तारीफ करे, कुछ भी कहे, आपको बहुत ऑनर भी दे, आप फर्स्ट आ जाएं, आप टॉप कर जाएं, जस्ट से अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको उस जगह पे पहुंचा देगा जहां पे आपका गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह को ये लफ्ज, ये कलमात बड़े प्यारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह के तो देखें, दिल से कहें आज अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरी तारीफ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। रब्बिल आलमीन, जो रब है अल आलमीन तमाम जहानों का, खाली ये दुनिया नहीं, बहुत जहान है, उन तमाम जहानों का रब है। ठीक है, अब रब, रब को ही कहते हैं अल आलमीन, आलम से,
आलमीन, ठीक है, आलम एक जहान, और या नून जमा के लिए इस्तेमाल होता है, तो बेटा ये या नून को का जो है ये याद रखिएगा कि ये जमा के लिए यूज हुआ है। अर रहमान रहीम, बहुत मेहरबान है और निहायत रहम वाला है। रहमान जो है ये रूट है राहा मीन का, ठीक है, अरेबिक में जितने भी वर्ड्स आते हैं वो रूट वर्ड से बनते हैं। जैसे आलम है तो इसका जो रूट वर्ड है आइन लाम मीम, अगर इसको आप अलहदा करते हैं यहाँ पे देखिएगा तो आपको सारा समझ आ जाएगी कि हमने अरेबिक को कैसे पढ़ना है। ये देखिएगा, अब ये देखिए ये हो गया इसका रूट वर्ड, राइट, ये है जनाब इसके 3 रूट वर्ड्स हो गए। अब देखिए शुरू का अलहदा कर दे, एंड का अलहदा कर दे, ठीक है, ये है इसका आइन लाम मीम, तो आपको पता चल जाएगा कि अल और या नून एक्स्ट्रा है, यानी कि एक्सेप्शंस हैं, मेन इसका रूट वर्ड ये है और इस रूट वर्ड से मिलके ये पूरा लफ्ज बना है कि अल आलमीन, ठीक है, तमाम जहानों का रब है। इसी तरह यहाँ पे देखिएगा राहामीन, अब देखिए रूट वर्ड्स का क्या ताल्लुक है कि अगर मुझे रूट वर्ड्स के ऊपर अरेबिक में क्यों ज्यादा फोकस किया जाता है, जैसे मैं यहाँ पे आइन लाम मीम की बात कर रही थी, राहा मीम का रूट वर्ड यहाँ पे देखिएगा, राहा मीम का देख लेते हैं, रहमान का भी राहा मीम है और रहीम का भी राहा मीम है, देखें दोनों सेम, ठीक है, इनका रूट वर्ड सेम है, राहा मीम और राहा मीम। अब रूट वर्ड्स के ऊपर क्यों फोकस किया जाता है अरेबिक में, देखें आइन लाम मीम से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं, इल, ठीक है, आलम, मुअल्लिम, आइन लाम मीम, सबके रूट वर्ड्स जो हैं क्या है, आइन लाम मीम, ठीक है, आलम, ठीक है, आलिम, इल्म, हाँ, इल्म देने वाले को टीचर को कहते हैं आलिम, आलम जहान को कहते हैं, इसीलिए अरबी में कहा जाता है कि जबर जेर पेश की गलती करने से पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। इसी तरीके से आप लोगों को मैंने अत्तईन का सीगा दिखाया था, खैर आज मैं आपको इतना ही बताती हूँ, फिर आगे चल के मैं आपको अत्तईन का सीगा भी बताऊंगी, अभी आगे एक वर्ड आएगा जिसके बाद मैं आपको अत्तईन का सीगा बताऊंगी। अब अत्तईन क्या होता है, अलिफ ता या नून, आइन लाम मीम के साथ अलिफ, अगर मैं अलिफ ता या और नून लगा दूं तो क्या होगा, ठीक है, उससे क्या होगा, आलम से, ठीक है, क्या होगा, तो अलिम, ठीक है, तो अलिम तुझे इल्म दिया, ठीक है, इसी तरह यालम वो उन्हें इल्म दिया, ठीक है, आलम मैं मुझे इल्म दिया, आ का मतलब मैं और ना का मतलब हमें इल्म दिया, तो इससे क्या होता है कि वर्ड्स इस तरह से चेंज होता है। तो आइन लाम मीम और उसके साथ साथ हम छोटी छोटी चीजें याद करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसके मीनिंग्स किस तरह से हैं, और फिर ये ट्रांसलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, हम डायरेक्टली अरेबिक पढ़ेंगे और इंशाल्लाह हमें समझ आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए अर रहमान बहुत मेहरबान है, अर रहीम निहायत रहम करने वाला है, एग्जिजरेशन कहते हैं ना, एग्जिजरेशन, ठीक है, मुबालगा आराई का सीधा, कि इस हद तक मेहरबान है अल्लाह ताला कि उसकी जो रहमत है उसके गजब पर भारी है। हदीस के अल्फाज है ना कि अल्लाह ताला की रहमत उसके गजब पर भारी है, कि अल्लाह ताला की रहमत ही है कि हम इतने गुनाह करते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी ब्लेस्ड, फिर भी अल्लाह ताला जो है हम अल्लाह डेली, क्या ये मेज पे करम नहीं है कि मैं रोज गुनाह करती हूँ और अल्लाह मुझे रोज बख्शता है, वो मुझे मेरा रिस्क नहीं रोकता, मैं रोज गीबत करती हूँ और अल्लाह मेरी जबान भी नहीं रोकता और वो मुझे बोलने देता है कि शायद अब पलट जाए, अब मेरा बंदा पलटेगा, अब पलटेगा। अल्लाह बंदे की तौबा का कितना इंतजार करता, रोज माफ करता है, फिर मैं अस्तगफार करती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ या अल्लाह अब नहीं करूंगी, फिर अल्लाह ताला माफ कर दे। मालिकी यौमिद्दीन, जहां अल्लाह ने ये बताया ना कि भाई मैं बहुत मेहरबान हूँ और रहीम हूँ, वहां पे अल्लाह ताला ने हमें ये भी बताया कि मैं मालिक हूँ बदले के दिन का। ये मत समझना कि सिर्फ रहमान और रहीम ही हूँ,
बदले के दिन का मालिक हूँ, इंसाफ के दिन का मालिक हूँ। हम ये सोच के गुनाह पे गुनाह करते चले जाते हैं कि अल्लाह की रहमत तो उसके गजब पे भारी है। हमने क्योंकि कलमा पढ़ लिया इसलिए हम तो सीधे जन्नत में चले जाएंगे। कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि हिदायत पाने वाले बहुत कम होंगे, जन्नत में जाने वाले बहुत कम होंगे, जहन्नम ही ज्यादा होंगे। मुसलमानों में भी सारे के सारे मुसलमान तो जन्नत में नहीं चले जाएंगे ना। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं बदले के दिन का, इंसाफ के दिन का मालिक हूँ। तो हम अब ये कि या अल्लाह तू मतलब अल्लाह की रहमत उसके गजब पे भारी है, और मैं ये सोच के गुनाह पे गुनाह करूं, बेहयाई पे बेहयाई करूं, मेरे जो कपड़े हैं वो स्किन टाइट हो जाए, ये सोच के कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा। तो अल्लाह ताला ने आगे साफ कह दिया हमें कि मालिक है बदले के दिन का, ठीक है, वो इंसाफ के दिन का मालिक है। तो जहां भी उसकी रहमत है वहां पे वो इंसाफ भी करने वाला है। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं, ठीक है। तो इया का सिर्फ तेरी, नाबुदू हम इबादत करते हैं। अगेन आइन बाद टाइम ओवर होने वाला है, तो यहाँ तक इस पूरे लेसन को हम पहली तीन आयात को ही समराइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने अल्लाह ताला की तारीफ उसके बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा कि अल्लाह ही है जो इन तमाम जहानों का रब है, वो रहमान है, रहीम है और बदले के दिन का मालिक है। आज हमने अल्लाह ताला के बारे में पढ़ा, अल्लाह की खसूसियात, अल्लाह की जात के बारे में पता होगा तो उस जात से मोहब्बत होगी। किसी जात से बात करने के लिए उसके बारे में पता तो होना चाहिए ना। तो ये एक बहुत छोटी सी कोशिश है कि हम अल्लाह को जान सकें, ठीक है। और जब अल्लाह को